हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं, ये बात हम करेंगे मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर के। मेघालय में जो असेंबली का इलेक्शन नेक्स्ट वाला होने वाला है वो 2023 में, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था 2018 में हुआ था। बात करें मेघालय में, तो मेघालय में विधानसभा की टोटल जो सीटें हैं, यानी असेंबली की टोटल सीटें हैं वो 60 सीटें हैं। और यहाँ पे जिसको 61 में जिसको 31 सीटें मिल जाती है, उस पार्टी को मिल जाता है पूर्ण बहुमत। लोकसभा की अगर हम बातें करें, तो लोकसभा में जो मेघालय के अंदर सीटें हैं वो 2 सीटें हैं। मेघालय में वर्तमान सरकार की बात करें, तो वर्तमान में सरकार जो है कि NPP की है, यानी नेशनल पीपुल पार्टी, जिसके CM है कॉनराड संगमा। NPP ने अकेले ये सरकार नहीं बनाई है, ये NDA गठबंधन है पूरा, जिसमें BJP, UDP और इसके PDF और कई पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं। वही हम बात करें मेघालय के राज्यपाल की, तो मेघालय के राज्यपाल जो है वो सत्यपाल मलिक हैं। अभी नए राज्यपाल वहाँ पे बने हैं गोवा से, उनका जो कि ट्रांसफ़र मेघालय में हुआ है। तो अगर हम बात करें सत्यपाल मलिक के बारे में थोड़ा से, तो सत्यपाल मलिक जो है कि बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं, इसके पहले जम्मू कश्मीर के थे, फिर गोवा के भी राज्यपाल थे, और वर्तमान में मेघालय में राज्यपाल बने हुए हैं। इनके राजनीतिक सफ़र की थोड़ा सा अगर हम बात कर लें, तो सत्यपाल मलिक जो है कि जनता दल से जो है कि ये पहले सांसद भी रह चुके हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये इनका थोड़ा सा राजनीतिक सफ़र है सत्यपाल मलिक का। मेघालय की बात करें, तो मेघालय कांग्रेस पार्टी का गढ़ रह चुका है, और वर्तमान में भी कांग्रेस का गढ़ है मेघालय। मुख्य पार्टियां वहां पे NPP और INC ही हैं, मतलब नेशनल पीपुल पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इन्हीं दोनों के बीच मेन टक्कर होती है। और 2018 चुनाव से पहले मेघालय में जो है कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। मेघालय के हम दो प्रमुख नेताओं की बात करें, तो इसमें दो प्रमुख नेता हैं, कॉनराड संगमा और मुकुल संगा। कॉनराड संगमा जो है कि NPP के नेता हैं मेघालय में, और मुकुल संगमा जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री मेघालय के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अब हम आपसे बात करते हैं मेघालय का जो चुनाव हुआ था 2018 में उसके रिजल्ट की। 2018 के चुनाव की बात करें, तो मेघालय में 2018 के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, और कोई भी पार्टी जो है कि अकेले दम पर सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो वहां बन के उभरी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, दूसरे नंबर पर नेशनल पीपुल पार्टी यानी NPP थी। आपके सामने अब हम रख देते हैं 2018 के चुनावी रिजल्ट को। 2018 के चुनावी रिजल्ट की बात करें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी। कांग्रेस को 21 सीटें यानी 21 सीटें मिली थी। दूसरे नंबर पर NPP थी, NPP को 20 सीटें मिली। तीसरे नंबर पर UDP थी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको जो है कि 6 सीटें मिली। चौथे नंबर पर और जो है कि PDF थी, जिसको 4 सीटें मिली। उसके बाद HSPDP थी, जिसको 2 सीटें मिली। NCP को 1 सीट मिली। KHNAM पार्टी थी, इसको 1 सीट मिली। इंडिपेंडेंस के खाते में 3 सीटें उस समय गई थी। यानी टोटल हम देखें तो किसी भी पार्टी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन बाद में जो है कि चुनाव के बाद NPP, UDP, BJP, PDF, HSPDP ये सारी और इंडिपेंडेंस, इन सब ने मिल करके वहाँ पे NDA गठबंधन बनाया, और यहाँ पे सरकार बनाने में NPP और BJP कामयाब रही। इस तरीके से NDA की वहाँ पे सरकार बन गई और CM बने कॉनराड संगमा। अगर मेघालय के 2018 के चुनावों के चुनाव रिजल्ट के वोट प्रतिशत देखें, तो देखिए वोट आप परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को 28.5% वोट मिला था। दूसरे नंबर पर जो है कि NPP थी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी थी, इसको 20.6% वोट मिला। और तीसरे नंबर की बात करें, तो तीसरे नंबर पर UDP थी, जिसको जो है कि 11.6% वोट मिला। चौथे नंबर पर वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से BJP थी, जिसको 9.6% वोट मिला। पांचवें नंबर पर PDF थी, जिसको है कि 8.2% वोट मिला। और छठवें नंबर पर HSPDP थी, जिसको 5.3% वोट मिला। NCP को 1.6% वोट मिला। KHNAM को जो है कि 0.9% वोट मिला। तो इतनी सारी पार्टियां हैं जिसमें जो है कि वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, जिसको और NPP दूसरे नंबर पे थी। इनके बीच काफ़ी ज़्यादा गैप था, कम से कम 8% वोटों का गैप था। लोकसभा के चुनावी नतीजों की बात करें, तो देखिए लोकसभा में मेघालय में 2 सीटें हैं,
और इस दो सीटों में एक सीट कांग्रेस को मिली थी और दूसरी सीट एनपीपी को मिली थी, यानी 50-50 का मुकाबला रहा। दो सीटों में एक सीट कांग्रेस और एक सीट एनपीपी जो है कि जीतने में कामयाब रही। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो है कि गठबंधन एनपीपी बीजेपी इन सब में सही तरीके से नहीं बन पाया, क्योंकि दो ही सीटें हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। इसलिए एनपीपी और यूडीपी ये दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और बीजेपी दोनों सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ी थी, और इस स्थिति में कांग्रेस ने बाजी मारी और कांग्रेस को एक सीट और एनपीपी को एक सीट मिली। लोकसभा के चुनाव 2014 की बात करें तो 2014 में भी कांग्रेस को एक सीट मिली थी और एनपीपी को एक सीट मिली थी। चलिए हमने कुछ ओपिनियन पोल किए हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बताते हैं आपको क्या जो है कि रिजल्ट आया। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि मेघालय के अंदर जो है कि अगली सरकार किसकी होनी चाहिए, कौन सी पार्टी की, एनपीपी प्लस यानी एनपीपी उससे गठबंधन की, और दूसरा ऑप्शन हमने रखा था आईएनसी प्लस यानी कांग्रेस और उससे गठबंधन की। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, कांग्रेस आए को 54% वोट मिला है। वहीं एनपीपी की बात करें तो इस पोलिंग में एनपीपी को 46% लोगों ने पसंद किया, यानी अगली सरकार जो है कि कांग्रेस की बनने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, सबसे बेस्ट सीएम कौन हो सकता है, सीएम की सबसे पहली पसंद कौन है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन हमने रखा वर्तमान सीएम कॉनराड संगमा को, दूसरा नंबर हमने रखा पूर्व सीएम कांग्रेस पार्टी के मुकुल संगमा को। तो देखिए इसमें कांटे की टक्कर दिखाई दी और सबसे पहले नंबर पर है कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा को जो कि 52% लोगों ने पसंद किया। वहीं हम बात करें मुकुल संगमा को तो मुकुल संगमा को 48% लोगों ने पसंद किया। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में काफ़ी कम जो कि परसेंटेज का मार्जिन रहा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है वर्तमान में सत्ता पक्ष को कितने विधायकों का समर्थन थे। तो देखिए गवर्नमेंट में 39 विधायकों का समर्थन है, जिसमें एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी, इसके पास वर्तमान में 21 सीटें हैं, यूडीपी के पास 8 सीट, पीडीएफ के पास 4 सीट, बीजेपी के पास 2 सीट, एचएसपीडीपी के पास 2 सीट और 2 सीट निर्दलीय हैं, यानी टोटल 39 विधायकों का समर्थन से ये जो है कि गवर्नमेंट वर्तमान में मेघालय की चल रही है। वहीं अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन में टोटल 20 विधायक हैं और एक विधायक और अदर्स में है। तो देखिए 19 कांग्रेस के और एनसीपी के एक विधायक मिलकर के अब मेन अपोजिशन है, उसके अलावा एक जो है कि केएचएनएम का विधायक है। तो टोटल देखें तो 21 विधायक अपोजिशन में और 39 विधायक जो है कि सत्ता पक्ष के समर्थन में हैं। चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि यदि आज के डेट में चुनाव हो तो कौन सी पार्टी बढ़त बना सकती है, कौन सी पार्टी जीतते हुए दिख रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। तो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को मेघालय के अंदर 2 सीटें मिल सकती है, 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना सकती है। वहीं यूडीपी की बात करें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो यूडीपी आज के डेट में वहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है, यूडीपी के भी खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, 1 सीट पर पीडीएफ मजबूत है। एचएसपीडीपी की बात करें तो एचएसपीडीपी भी 1 सीट पर मजबूत है, उसको भी 1 सीटें वहाँ पर मिल सकती हैं। अब प्रमुख सत्ताधारी पार्टी एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करें तो एनपीपी के खाते में वर्तमान समय में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी पिछली बार से एनपीपी के को जो है कि 3 सीटों का लॉस हो रहा है। वहीं हम बात करें मेन अपोजिशन कांग्रेस की बात करें तो मेघालय में कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस को 36 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस जो यहाँ पे 36 सीटें जीत सकती है मेघालय के अंदर और कांग्रेस सरकार बनाते हुए नज़र आ रही है।